पांच राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। साफ हो चुका है कि किसकी सत्ता आ रही है। सत्ता आने पर शुभकामनाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया वॉइस ऑफ वॉलपेपर आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से सेबा सिंह बाली ने दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता में पंजाब की जनता को और पूरे पांच राज्यों की जनता को आम आदमी पार्टी के हाथ में वोट करने के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब की जनता को, पंजाब के युवा को, पंजाब के माताओं को, बहनों को, बुज़ुर्गों को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जिस तरीके से पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है, तो इसलिए जो हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे पंजाब के सीएम कैंडिडेट भगवत मान जी और तमाम पंजाब के कार्यकर्ता, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में अपना पैगाम पहुंचाया है और पंजाब की जनता ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना भरोसा जताया है, हम ये कहना चाहते हैं कि पंजाब की जनता ने जिस तरीके से बदलाव के लिए वोट किया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब की जनता को कभी भी मायूस नहीं किया जाएगा। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भी आपको बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी का रुझान अच्छा देखा जाएगा और हम आज जिस तरीके से बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अच्छा मिल रहा है, और ये शुरुआत है और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में आम आदमी में बदलाव और विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी।